नमस्कार, स्वागत है आपका द इंग्रेडिएंट विकी में। मैं हूं आपके साथ प्रीति नाहर। भारत में फल, फूल, सब्जी, अनाज और लकड़ियों की ऐसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें उगाना तो आसान है लेकिन इनकी कीमत करोड़ों में होती है। ऐसी ही एक प्रजाति है लाल चंदन की। जी हाँ, अभी तक सिर्फ हमने सफ़ेद चंदन के बारे में सुना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल चंदन को दुनिया की सबसे दुर्लभ पर सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी माना जाता है। इसका इस्तेमाल संगीत के वाद्य यंत्र बनाने, फर्नीचर और मूर्तियां बनाने के अलावा औषधियां बनाने के लिए किया जाता है। लाल चंदन की मांग तो दुनिया भर में होती है, लेकिन इसका सबसे अच्छा उत्पादन भारत में होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल चंदन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। लाल चंदन और सफेद चंदन, ये दोनों ही अलग अलग जाति के पेड़ हैं। सफेद चंदन की तरह ही लाल चंदन का उपयोग भी दवाएं या इत्र बनाने या हवन पूजन के लिए नहीं होता, लेकिन इसके महंगे फर्नीचर और सजावट के सामान बनने में अधिक इस्तेमाल होता है और इसका प्राकृतिक रंग कॉस्मेटिक बनाने में इस्तेमाल होता है। लाल चंदन के पेड़ मुख्यतः तमिलनाडु से लगे आंध्र प्रदेश के चार जिलों चित्तूर, कडप्पा, कुरनूल और नेल्लोर में फैले शेषाचलम की पहाड़ियों के इलाकों में उगते हैं। लगभग 5 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैले इस जंगली क्षेत्र में पाए जाने वाले इस अनोखे पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर होती है और धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी लकड़ी का घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। जानकार बताते हैं कि लाल चंदन की लकड़ी अन्य लकड़ियों से उलट पानी में तेजी से डूब जाती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। यही असली रक्त चंदन की पहचान होती है। वर्तमान में लाल चंदन की मांग सबसे ज़्यादा चीन में है क्योंकि यहाँ पर इसकी लोकप्रियता 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य तक राज करने वाले मिंग वंश के समय से बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिंग वंश और उसके बाद के शासकों के बीच लाल चंदन की लकड़ी के प्रति दीवानगी का पता इस बात से चला कि यहाँ पर रेड सैंडलवुड म्यूजियम नाम का एक विशेष संग्रहालय है जहाँ पर लाल चंदन से बने अनगिनत फर्नीचर और सजावटी सामान संजोकर रखे गए हैं। बात करें लाल चंदन के उपयोग के बारे में तो त्वचा की देखभाल के लिए इसके पाउडर का उपयोग किया जाता है। यह दाग धब्बों को कम करने और मुहासों के इलाज में बहुत कारगर साबित हुआ है। इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो सूरज की रोशनी से हुए स्किन टैन को दूर करने में भी मदद करता है। इसके पाउडर को गुलाब जल, नारियल का तेल, गर्म पानी आदि में मिलाकर लगाया जाता है। साथ ही लाल चंदन के पाउडर का लेप सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन कम होती है और दर्द भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। तो ये थी खासियत लाल चंदन के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए इंग्रेडिएंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।